नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बगावत पर पहली बार मुंह खोला है। उन्होंने कहा कि आघाड़ी में शिव सैनिकों को प्रताड़ित किया जा रहा था, शिव सैनिकों का बहिष्कार किया जा रहा था, तो केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी अब उद्धव ठाकरे को चुनने वाली सलाह दी है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को शिवाजी पार्क की बजाय कहीं और रैली कर लेनी चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के पदाधिकारियों को भरोसा दिलाया है कि इस बार मुंबई नगर निगम पर बीजेपी का कमल खिलेगा। बीजेपी ने बीएमसी चुनाव में जीत के लिए 150 सीटों का लक्ष्य रखा है। तो उधर नवी मुंबई के सिवुड स्थित बेथिल गॉस्पेल चैरिटेबल ट्रस्ट चर्च में तीन नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इसी बीच सोनाली फोगाट के ड्राइवर ने दावा किया कि वो जिन महंगी गाड़ियों में घूमती थी उनमें एक भी उनके नाम पर नहीं थी। प्रदेश की इन पांच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के साथ ऐसी बगावत की कि उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने पर और महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र से चली गई। इसमें 10 निर्दलीय विधायकों ने भी उनका साथ दिया। अब तक का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उन्होंने शिवसेना सुप्रीमो को ऐसा झटका क्यों दिया, उन्होंने इतना बड़ा विद्रोह क्यों किया। शिंदे गुट के कई विधायकों ने कई मौकों पर इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की। इस बार सीएम शिंदे ने खुद ही बताया कि आखिर चिंगारी कहां भड़की, इस पूरे प्रकरण का ट्रिगर पॉइंट क्या था। एक इंटरव्यू में एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगर आप ट्रिगर पॉइंट के बारे में पूछ रहे हैं तो रोजाना ट्रिगर दबाया जाता था, एक गोली चलती थी और कई शहीद हो जाते थे। इन 50 लोगों ने मेरा साथ दिया। शिंदे ने कहा कि 2019 में महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को वोट दिया। हमने बालासाहेब ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगाकर चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने महाविकास आघाड़ी का प्रयोग किया। उद्धव ठाकरे का यह प्रयोग हमारे बीच कई विधायकों को स्वीकार नहीं था, लेकिन हम बालासाहेब ठाकरे और आनंद दिघे के कार्यकर्ता है, हमने नेतृत्व के फैसले को स्वीकार कर लिया। पर आघाड़ी में शिवसैनिकों का प्रताड़ित किया जा रहा था, शिवसैनिकों का बहिष्कार किया जा रहा था। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी अब उद्धव ठाकरे को चुभने वाली सलाह दी। एक निजी कार्यक्रम में मुंबई पहुंचे आठवले ने कहा कि असली शिवसेना तो एकनाथ शिंदे की है, इसलिए दशहरा रैली करने की अनुमति उन्हें ही मिलनी चाहिए। उद्धव ठाकरे को शिवाजी पार्क की बजाय कहीं और रैली कर लेनी चाहिए। आठवले ने कहा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास 2/3 बहुमत है, इसलिए मुंबई नगर निगम उन्हें शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति दे। असली शिवसेना तो एकनाथ शिंदे की ही है क्योंकि उनके पास 2-3 बहुमत है, कार्यकर्ताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है, इसलिए असली शिवसेना को दशहरा सभा की अनुमति लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि मनसे के कार्यकर्ता रैली करना चाहते हैं तो वे बैठक करें, सभी को एकजुट होने और रैलियां करने का अधिकार है। आठवले ने कहा कि हमारी सभा तो नागपुर में है, वरना हम भी इकट्ठे होते। इसके अलावा भाजपा नेताओं की राज ठाकरे से मुलाकात पर भी रामदास आठवले ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा राज ठाकरे की तबीयत ठीक नहीं थी, ऐसे में उनसे मुलाकात करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसे मुंबई नगर निकाय चुनाव से जोड़ने की जरूरत नहीं है। भाजपा आरपीआई और शिंदे समूह एकजुट है, हमारा गठबंधन बीएमसी चुनाव में जीत हासिल करने में सफल होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के निवास पर बीजेपी महाराष्ट्र के सांसदों विधायकों पार्षदों के साथ बैठक की। इस बैठक में बीएमसी चुनाव जीतने को लेकर रणनीति तय की गई। अमित शाह ने बैठक में यह भी कहा कि बीजेपी शिंदे खेमे के साथ मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ेगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के पदाधिकारियों को भरोसा दिलाया है कि इस बार मुंबई नगर निगम पर बीजेपी का कमल खिलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने पदाधिकारियों विधायकों और पार्षदों से कहा है कि जीत पक्की करने के लिए उन्हें सड़कों पर उतरना होगा। बीजेपी ने बीएमसी चुनाव में जीत के लिए 150 सीटों का लक्ष्य रखा है, इसमें लेकिन शिंदे समूह भी बीजेपी के साथ रहेगा। बता दें कि मुंबई नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर अब बड़े राजनीतिक दलों ने अपने अपने मोर्चे मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। 2 दिन पहले मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडणेकर ने दावा किया था मुंबई नगर निगम की 150 सीटों पर शिवसेना के पार्षद होंगे। आज अमित शाह ने भी पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों को 150 का टारगेट दिया है। उन्होंने बैठक में निर्देश दिया है कि मुंबई का अगला मेयर बीजेपी से बनना चाहिए।
नवी मुंबई के सेवुड स्थित बेथल गॉस्पेल चैरिटेबल ट्रस्ट चर्च में 3 नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने एक माह पूर्व इस चर्च से जुड़े अनाधिकृत आश्रम स्कूल में छापेमारी कर 45 लड़के लड़कियों को वहां से छुड़ाया था। इनमें से 3 नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने के आरोप के बाद राजकुमार ने येसुदासन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। महिला एवं बाल विकास बोर्ड के अधिकारियों द्वारा सभी बच्चों की काउंसलिंग के बाद 3 लड़कियों ने यौन शोषण होने की बात कबूल की है, जिसके बाद इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला बाल संरक्षण अधिकारी रामकृष्ण रेड्डी ने NRI पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए NRI पुलिस ने येसुदासन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जांच में पता चला है कि 12 से 14 साल की उम्र की 3 लड़कियों का यौन शोषण किया गया है। पीड़ितों ने बताया कि उन्हें कई बार नशीली चीजें देकर सुलाया गया। इनमें से एक लड़की का गर्भपात होने की चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पीड़ित लड़कियों को माता पिता से भी मिलने नहीं दिया जाता था। सोनाली फोगाट मर्डर केस मामले में नया एंगल सामने आया है। सोनाली के ड्राइवर ने दावा किया है कि वह जिन महंगी गाड़ियों में घूमती थी उनमें से एक भी उसके नाम पर नहीं थी। आरोप है कि उनका PS सुधीर सागवान इन कारों को बेच चुका था या फिर अपने नाम ट्रांसफर कर चुका था। सोनाली के ड्राइवर रहे उमेश सिंह ने एक चैनल से बातचीत में ये आरोप लगाए। उसने यहां तक दावा किया कि सोनाली के पास बेटी की स्कूल फीस भरने के भी पैसे नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोनाली के पास 4 गाड़ियां थी, लेकिन फिलहाल इनमें से किसी का भी अता पता नहीं है। यह भी सामने आया है कि कागजों के हिसाब से सोनाली इन गाड़ियों की मालकिन नहीं थी। उनकी एक कार सुधीर सागवान के नाम पर थी, जबकि 3 अन्य का मालिक कोई और था। ड्राइवर के मुताबिक उसने सोनाली की स्कॉर्पियो स्कॉडा गाड़ी चलाई थी। सुधीर ने उमेश सिंह को बताया था कि एक मर्सिडीज कार भी थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था और वह दिल्ली के किसी एजेंसी पर खड़ी है। ड्राइवर ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि सुधीर ने सोनाली की स्कॉर्पियो को 8 लाख रुपए में बेचा था। इसके बाद दिल्ली से 3.50 लाख रुपए की सफारी खरीदी थी। बाद में पता चला कि मर्सिडीज कार पर 10 से 13 लाख रुपए का लोन था। अक्सर फाइनेंस कंपनी की कॉल आती थी, इसलिए सुधीर ने वह कार छिपा दी थी। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो बुधवार को अपने जन्म स्थान हरियाणा के हिसार से मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री अपने मिशन 2024 के लिए इन दिनों दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। अपने इस दौरे में वो विपक्षी एकता बनाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, मुंबई, हरियाणा और तेलंगाना में 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। तो उधर तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद महुआ मोइत्रा ने प्रतिष्ठित राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने की केंद्र सरकार की योजना पर कटाक्ष किया है। महुआ ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के नए आधिकारिक आवास का नाम किंकर तव्य विमूढ मठ होगा। इसी बीच अब एक बार फिर से बैंकिंग मेलवेयर वापस आ गया है। बैंकिंग मेलवेयर शार्क बुड गूगल प्ले स्टोर के जरिए ऐप में पहुंचा है और इन ऐप के जरिए ये लोगों के फोन में पहुंच रहा है। देश भर के इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वह बुधवार को अपने जन्मस्थान हरियाणा के हिसार से मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने कहा कि वह इसके तहत देश भर का दौरा करने वाले हैं और 130 करोड़ लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। आज एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने दोहराया कि अच्छी और मुफ्त शिक्षा से ही देश की तरक्की हो सकती है। दिल्ली के CM ने PM मोदी की ओर देश भर में 1,45,000 स्कूलों को मॉडल के तौर पर विकसित किए जाने की घोषणा पर खुशी जाहिर की। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस दर से सभी स्कूलों को अपग्रेड करने में 70 से 80 साल लग जाएंगे, इसलिए सभी राज्य सरकारों को साथ लेकर एक साथ सभी 10 लाख स्कूलों को बेहतर बनाया जाए। केजरीवाल ने कहा कि जब तक देश के सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी और फ्री शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। 1947 में देश आज़ाद हुआ, कई इलाकों में तरक्की की, लेकिन सबसे पहला काम यह करना था कि गांव-गांव में शानदार सरकार स्कूल बनाना था। आज यदि पूरा देश शिक्षित होता है तो गरीब नहीं होता। दिल्ली के CM ने कहा कि वह देश भर में सभी 130 करोड़ लोगों के साथ गठबंधन बनाने जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री अपने मिशन 2024 के लिए इन दिनों दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं।
अपने इस दौरे में वह विपक्षी एकता बनने की कोशिश करते दिख रहे हैं। सोमवार को वे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वाती से मिले थे। वहीं आज उनकी मुलाकात सीपीआई नेता सीतारामा येचुरी से हुई। उनसे मिलने नीतीश कुमार लेफ्ट पार्टी के दफ्तर पहुंचे। इसके बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम साथ हैं, इसलिए उनसे मिलने यहां आया है। बता दें कि रविवार को उन्होंने कहा था कि देश में कांग्रेस और वाम दलों से अलग गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। हमने चर्चा की है कि अगर वाम दल विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दल और कांग्रेस एक साथ आते हैं तो यह बहुत बड़ी बात होगी। वहीं इस मुलाकात के बाद सीताराम येचुरी ने कहा कि हम स्वागत करते हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर इस कार्यकाल में आए। यह देश की राजनीति के लिए सकारात्मक संकेत है। विपक्षी दलों को मिलकर देश और संविधान को बचाना है। बता दें कि जदयू ने नीतीश कुमार को देश भर में विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए अधिकृत किया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा था कि पीएम बनने की मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, मैं विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास कर रहा हूं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। इसके बाद आज मंगलवार को जांच एजेंसी ने दिल्ली, मुंबई, हरियाणा और तेलंगाना में दो दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। इस मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि सीबीआई की तरह ईडी ने भी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाया है। पहचान उजागर न किए जाने की शर्त पर अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी कई ऐसे लोगों और इकाइयों के ठिकानों पर चल रही है जिनमें शराब वितरक, बिचौलिए, लाइसेंस होल्डर आदि शामिल है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मनी ट्रेल से जुड़े सबूत तलाशे जा रहे हैं। शराब नीति में कथित अनियमितता को लेकर 17 अगस्त को सीबीआई की ओर से दर्ज किए गए एफआईआर को ईडी ने टेक ओवर कर लिया है। आरोप है कि मनीष सिसोदिया के एक करीबी दिनेश अरोड़ा को जोरबाग स्थित इंडोस्प्रिट ग्रुप के एमडी समीर महेंद्रू ने 1 करोड़ रुपए दिए थे। इसके अलावा गुरुग्राम के एक व्यक्ति को भी 2-4 करोड़ रुपए दिए। अधिकारी ने बताया कि चूंकि ईडी ने सीबीआई केस को अपने हाथ में लिया है, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग जांच में भी मनीष सिसोदिया का नाम आरोपी के रूप में है। जांच एजेंसी ने 9 लोगों का नाम एफआईआर में दर्ज किया है जिसमें दिनेश अरोड़ा, विजय नायर, मनोज राय, समीर महिंदू के नाम भी शामिल है। तृणमूल कांग्रेस की नेता और सांसद महुआ मोइत्रांग ने प्रतिष्ठानित राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने की केंद्र सरकार की योजना पर कटाक्ष किया है। महुआ ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के नए आधिकारिक आवास का नाम कीकर्तव्याभिमुख मठ होगा। बता दें कि इसका शाब्दिक अर्थ घबराया हुआ मठ होता है। गौरतलब है कि इंडिया गेट सी हेक्का सागर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से राष्ट्रपति भवन तक की सड़क और क्षेत्रों को कर्तव्य पथ के रूप में जाना जाएगा। इसे लंदन के किंग्सवे की तर्ज पर डिजाइन किया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान राजपथ को किंग्सवे के रूप में जाना जाता है। आजादी के बाद इसका नाम राजपथ किया गया। अपने हालिया भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजी हुकूमत की मानसिकता को दर्शाने वाले प्रतीकों को हटाने जोर दिया है। हाल ही में नौसेना के झंडे को भी नया रूप दिया गया जिस पर पहले जॉर्ज क्रॉस का चिन्ह अंकित था। टीएमसी सांसद ने ट्वीट कर कहा कि मेरा मानना है कि वे राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वे नए प्रधानमंत्री वास का नाम की कर्तव्याभिमुख मठ रखेंगे। पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर लोकसभा सीट से सांसद से कुमार रे के हाजा बराला का एक अंश भी साझा किया। इसे बंगाली साहित्य की सर्वश्रेष्ठ बकवास कहानियों में से एक माना जाता है। बच्चों के उपासनों में हर चीज को अजीब नाम दिया जाता था। पिछले कुछ साल में बैंकिंग और क्रिप्टो से संबंधित ऐप में खूब मेलवेयर दिखने को मिल रहे हैं। इन मेलवेयर का सबसे बड़ा ठिकाना गूगल प्ले स्टोर बना हुआ है। वैसे भी गूगल प्ले स्टोर हमेशा से एंड्रॉइड मेलवेयर का गढ़ रहा है। अब एक बार फिर से बैंकिंग मेलवेयर वापस आ गया है। बैंकिंग मेलवेयर शॉर्क बूट गूगल प्ले स्टोर के जरिए ऐप में पहुंचा है और इन ऐप के जरिए यह लोगों के फोन में पहुंच रहा है। यह मेलवेयर इतना शातिर है कि बैंकिंग ऐप के ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को भी बायपास कर देता है। यानी यदि आपके किसी बैंक में फिंगरप्रिंट्स या कोई भी पासवर्ड होता है तो मेलवेयर उस पासवर्ड को तोड़ सकता है और आपके बैंक अकाउंट में सेंध लगा सकता है। एक बार फोन में इंस्टॉल हो जाने के बाद यह मेलवेयर आपके बैंकिंग ऐप को लॉग आउट कर देता है और उसके बाद यूजर को मजबूरी में लॉगिन करता है।
और इसे उसी का इंतजार रहता है। जैसे ही कोई यूजर पासवर्ड के साथ लॉगिन करता है तो यह उसे रिकॉर्ड कर लेता है और फिर खुद लॉगिन करता है। साथ ही हैकर को भी इसके बारे में जानकारी देता है। यह मैलवेयर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी मात दे सकता है। संबंधित एजेंसियों ने इसे लेकर लोगों को आगाह किया है और कहा है कि इसे कतई इंस्टॉल नहीं करें। विशेषज्ञों की टीम इस पर नजर रख रही है। जल्द ही इसका तोड़ निकाल लिए जाने का दावा किया गया है। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को हथियार देते देते यूरोपीय संघ के देशों का शस्त्रागार खाली हो गया है। अब इन देशों पर खुद की रक्षा करने को लेकर खतरा मंडराने लगा है। तो भारत ने पाकिस्तान को लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी का शव सौंप दिया है। दिलचस्प बात यह है कि 20 सालों में पहली बार पाकिस्तान ने माना है कि राजौरी में घुसपैठ के दौरान घायल फिदायीन उसका नागरिक था। वहीं ब्रिटेन की होने वाली नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस की विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तीखी नोकझोंक इन दिनों चर्चा में है। तो उधर गीजा का पिरामिड की गुत्थी को लेकर सुलझाने का दावा किया जा रहा है। इसी बीच पोलैंड के एक गाँव में महिला वैम्पायर का कंकाल मिला है। मरे हुए लोग वैम्पायर बनकर वापस ना लौट सके, इसलिए इसके गले के चारों ओर हंसिया लगा दिया गया है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को हथियार देते देते यूरोपीय संघ के देशों का शस्त्रागार खाली हो गया है। अब इन देशों पर खुद की रक्षा करने को लेकर खतरा मंडराने लगा है। यूरोपीय संघ के एक शीर्ष राजनयिक ने आगाह किया कि अब नाटो संगठन के देशों में हथियारों का भंडार कम हो चुका है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों में यूक्रेन को हथियार और गोला बारूद की लगातार आपूर्ति है। राजनयिक ने यूरोपीय संघ यानी ईयू के सदस्यों से सैन्य साजो सामान पर अपने खर्च को बेहतर ढंग से समन्वयित करने का आग्रह भी किया। यूरोपीय देश पहले से ही रूस की धमकियों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें तत्काल अपने हथियारों के भंडार को बढ़ाना होगा। यूरोपीय संघ की विदेशी नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने यूरोपीय सांसदों के साथ एक बहस में कहा कि हम यूक्रेन के लोगों को बहुत अधिक क्षमता प्रदान कर रहे हैं, इस कारण सैन्य साजो सामान की संख्या फिर से बढ़ानी होगी और इसका सबसे अच्छा तरीका मिलकर ऐसा करना रहेगा जो किफायती भी हो। बता दें कि अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। नाटो देश भी अमेरिका का साथ देने के लिए अपना अपना योगदान दे रहे हैं। अधिकतर यूरोपीय देश में अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। ऐसे में उन्होंने अपने हथियारों के भंडार को काफी सीमित रखा है। यही कारण है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने के कारण उनके खुद के भंडार खाली होने लगे हैं। भारत ने पाकिस्तान को लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी का शव सौंप दिया है। दिलचस्प बात यह है कि 20 सालों में पहली बार पाकिस्तान ने माना है कि राजौरी में घुसपैठ के दौरान घायल फिदायीन उसका नागरिक था। हालांकि अब तक हर आतंकी घटना में वह इन्हें अपनाने से इनकार करता रहा है। पूंछ के चक्कादा बाग में LOC पर शव सौंपने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मृत फिदायीन का शव पाकिस्तानी सेना ने कब्जे में ले लिया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कोटली के सब्जकोट गाँव निवासी तबारक हुसैन ने पिछले महीने 21 अगस्त को राजौरी के नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। इस दौरान वह पकड़ा गया। पकड़ा जाने के दौरान वह घायल भी हो गया था। उसके पैर और कंधे पर गोली लग गई थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसका इलाज चल रहा था। बीते 3 सितंबर को इलाज के दौरान सैन्य अस्पताल में दिल के दौरा पड़ने से आतंकी की मौत हो गई। रक्षा प्रवक्ता के अनुसार अत्यधिक खून बहने पर सैन्य जवानों ने उसे अपना 4 बोतल खून भी दिया था। सर्जरी कर उसके शरीर से गोलियां निकाली गई थी लेकिन उसकी मौत हो गई। LOC पर जिंदा पकड़े गए आतंकी तबारक हुसैन ने सैन्य अस्पताल में माना था कि पाकिस्तानी सेना के कर्नल ने उसके समेत फिदायीन दस्ते को भारतीय सेना पर हमला के लिए भेजा था। तबारक को पाकिस्तानी सेना के कर्नल यूसुफ ने हमले के लिए 30,000 रुपए भी दिए थे। इस दौरान उसे 5 बंदूकें भी दी गई थी। लीज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री होगी। उन्होंने ऋषि सुनक को काफी पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल कर ली। मतदान से पहले हुए तमाम सर्वे में भी बताया जा रहा था कि लीज ट्रस की बोरिस जॉनसन की गद्दी संभालेगी। लीज ट्रस ब्रिटेन की विदेश मंत्री रह चुकी है और एक कार्यक्रम में भारत भी आ चुकी है। इस दौरान उसकी एस जयशंकर से तीखी नोकझोंक भी हुई जिसकी चर्चा भारत और ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुई। दरअसल इसी साल अप्रैल के पहले सप्ताह में ब्रिटेन की तात्कालीन विदेश मंत्री भारत दौरे पर आई हुई थी। दोनों नेता इंडिया UK स्ट्रेटेजिक फ्यूचर फोरम में बोल रहे थे जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स एंड पॉलिसी एक्सचेंज ने आयोजित किया था।
इस सम्मेलन के बाद दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई थी। इस दौरान ब्रिटिश विदेश मंत्री लीज़ ट्रस के रूस पर प्रतिबंधों को लेकर भारत और ब्रिटेन के बीच मतभेद खुलकर सामने आए। श्रोताओं ने जब ट्रस से भारत द्वारा रूस के तेल खरीदने पर प्रतिक्रिया चाही तो उन्होंने कहा कि मैंने प्रतिबंधों पर ब्रिटेन का रूख बता दिया था। हम इस साल के आखिर तक रूसी तेल पर अपनी निर्भरता खत्म कर रहे हैं। भारत एक संप्रभु देश है, मैं भारत को नहीं बताऊंगी कि उसे क्या करना चाहिए। तब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि पहले वो अपनी गिरेबान में झांककर देखे कि रूस के साथ ब्रिटेन के व्यापारिक रिश्ते क्या है, यूं ही भारत के सामने चौधरी बनने की कोशिश न करें। गीजा का पिरामिड हमेशा ही जिज्ञासा का विषय रहा है। हजारों साल पहले उसका निर्माण कैसे किया गया होगा, इसकी गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है, जिससे इसका एक बहुत बड़ा रहस्य तो खुला ही है। भविष्य में इससे जुड़े और भी सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद जग गई है। इस शोध से यह भी पता चलता है कि कैसे पर्यावरण में उलटफेर होते रहते हैं, और हो सकता है कि आज जहां नदियां बह रही है, कुछ हजार वर्षों में उसका निशान खोजना भी असंभव बन जाए। एक नए शोध में इस बात की जानकारी मिली है कि मिस्र की नील नदी से तब एक धारा निकलती थी जो पिरामिड के एक पास तक पहुंचती थी, जिससे 4500 साल पहले करीब 23 लाख ग्रेनाइट और लाइमस्टोन के ब्लॉक लाने में आसानी हो रही होगी। यह ब्लॉक औसतन 2 टन वजनी थे। नील नदी की वह धारा आज अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि आज नील नदी पिरामिड से काफी दूर है। शोधकर्ताओं के अनुसार अब यह बात स्वीकार की जाती है कि प्राचीन मिस्र के इंजीनियरों ने गीजा पठार के लिए निर्माण सामग्री और बाकी चीजों के परिवहन के लिए नील नदी की एक पूर्व चैनल का इस्तेमाल किया था। इस शोध के लिए शोधार्थियों ने गीजा के 8000 साल पुरानी बाढ़ वाली जमीन में पराग से उत्पन्न वनस्पति के पैटर्न को पानी की धारा के आधार पर उसे रिकंस्ट्रक्ट करके यह रिसर्च किया है, और पाया कि जो स्थान आज मरुस्थल बन चुका है, वहाँ कभी पौधों और फन की 61 प्रजातियाँ मौजूद थी। पोलैंड के एक गांव में महिला वैम्पायर का कंकाल मिला है। मरे हुए लोग वैम्पायर बनकर वापस न लौट सके, इसलिए इसके गले के चारों ओर हंसिया लगा दिया गया है, साथ ही पैरों में ताला जड़ दिया गया है। ये कंकाल पीएन गांव के 17वीं शताब्दी के कब्रिस्तान में पुरातात्विक कार्यों के दौरान खोजा गया है। खोज के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि कंकाल के अवशेष के सिर पर एक रेशम की टोपी थी, जो बताता है कि उसकी सामाजिक स्थिति बेहतर थी। उसके दांत उभरे हुए थे। निकोलस कोपरनिकस विश्वविद्यालय के टीम लीडर प्रोफेसर डेरियस पोलिंसकी ने कहा कि इसे असामान्य रूप से दफन किया गया था। मुर्दा वापस जिंदा होकर न आ सके, इसके लिए उसके सिर या पैरों को काटना, उन्हें जलाना या पत्थर से तोड़ना शामिल है। जिस हिसाब से इस शव को दफनाया गया है वह बेहद अजीब है। हंसिया को सीधे नहीं रखा गया है, बल्कि उसे गले के करीब रखा गया है, ताकि अगर मुर्दा उठे तो उसका सिर कट जाए या घायल हो जाए। पैरों पर ताला लगा होने को लेकर उन्होंने कहा कि संभवतः ये एक प्रतीक है कि यहाँ एक जीवन पूरी तरह बंद हो गया है और यहाँ से वापस आने की चाबी नहीं है। 11वीं शताब्दी के करीब पूर्वी यूरोप के कुछ इलाकों में लोगों को डर रहता था कि जिन लोगों को दफन किया गया है वे खून चूसने वाले वैम्पायर बनकर वापस आ सकते हैं और जिंदा लोगों को मारेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह से दफनाना कोई सामान्य बात नहीं है, खासकर उस क्षेत्र में जहां मौत से वापसी को रोकने के लिए कीलों को खोपड़ी में ठोक दिया जाता था। तो विज्ञापन न्यूज के आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज। नमस्कार।